जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने फिटनेस के बारे में। तो आज कौन सी वो पार्ट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, चलते हैं आप सबसे, बहुत दिनों के बाद डिस्कस हो पा रहा है फिटनेस पे, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बता पा रहा था। सो गाइज, अभी तो पेपर फिलहाल ख़त्म हुआ है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, अपने पहले फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उसके बाद तब हम ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है ओनली फॉर फिटनेस। तो आज हम करने वाले हैं अपने किसको, अपने सिक्स पैक को अटेंड करने वाले हैं। सो गाइज, क्योंकि एब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एब्स का वर्कआउट आप लोग किया करो घर पे, क्योंकि एब्स आपका अच्छा रहेगा, आपका पेट स्लिम दिखेगा, तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सन दिखेंगे और कहीं पर भी जाएंगे बवाल मचाएंगे। सो गाइज, लेट्स बिगिन। अपने ऐसे लुक कर सकते हो स्टार्टिंग में, पहले अपने एब्स को टेंड करो। सो गाइज, इससे क्या रहती है, आपकी जो बगल की चर्बी रहती है वो जल्दी लॉस होती है। तो वर्कआउट आप करो 5 से 6 मिनट, गाइज देख रहे हो ये एब्स पे आपको फर्क कब दिखेगा गाइज, जब आप 3 सेट इसमें मारोगे, और नॉर्मली तरीके से आप 3-3 सेट करके मारो, जो आपको 20-20 करके आप कर सकते हो। सो गाइज, ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी जिम ट्रेनर आप सबको ये वर्कआउट कराना स्टार्ट करता है, और बहुत इजी है, नॉर्मली है, तो आप कर सकते हो। सो गाइज, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को, सो गाइज दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि एकदम बवाल मचाने वाला है। इसमें क्या करेंगे, आप जैसे डंबल आपके पास है तो आप साइड में लेके डंबल ऐसे ऐसे कर सकते हो, डंबल नहीं है तो हम नॉर्मली तरीके से अपने खाली हाथ से कर रहे हैं। गाइज देख रहे हो, ये आपके बीचों बीच पेट ये पड़ रहा है आपकी चर्बी, इससे क्या होगी, ख़त्म होगा। पहले स्टार्टिंग में आप आधे ही जाएं, उसके बाद आप ज़्यादा जाएं, ऐसे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम बेहतरीन एकदम आपकी सिक्स पैक एब्स बनेगा, एकदम स्लिम दिखेगा। देखो, एब्स का ये मतलब नहीं है कि आप एब्स बनाओगे तभी अट्रैक्टिव दिखोगे, आपका पेट स्लिम है, चेस्ट बाहर है, तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सन दिखते हो और कहीं पर भी जाओगे बवाल मचाओगे। सो गाइज, हमारी थर्ड एक्सरसाइज है जो कि एकदम तगड़ा आपके चेस्ट में पहुंचने वाला है। मसल्स तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, फील्ड में, खेत में, आप कहीं पर, बस आपके पास जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए। भाई ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, मैं ऐसे किया हूँ। नॉर्मली तरीके से अपने पैर को पहले उठा लेना है, पैर को ऐसे उठाना है, और उसके बाद इसी पे होल्ड करना है आपको। जैसे आप 60 डिग्री एंगल बनाते हो तो आप ज़्यादा ऊपर भी कर सकते हो, पहले स्टार्टिंग में आप इतना ही करें, और ये पैर जो है आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। आप ऐसे करे रहोगे तो आपके एब्स पे लोड नहीं पहुंचेगा। जब आप अपने पैर को स्ट्रेट करे रहोगे तो आपके एब्स पे प्रॉपर लोड पहुंचेगा, अब आपका एब्स बनेगा, नॉर्मली सी बात है। तो गाइज देख सकते हो मेरे पे चुटी आ गई, तो इसको साइड में रखते हैं। सो गाइज, आप स्ट्रेट रखें, ध्यान थोड़ा भटक गया था। आप अपने हैंड को ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, स्ट्रेट करें। दस से पाँच मिनट तक ऐसे ही होल्ड करें। सो गाइज, जो हमारे भाई मोटे हैं वो स्टार्टिंग में पहले 2 से 3 मिनट करें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा करने लगेंगे तो उनको हफरी छूटेगी और उनको क्या होता है, गस्त आती है। हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है, इसे हम लोग प्लैंक बोल सकते हैं। प्लैंक नॉर्मली तरीके से सब लोग करते हैं, तो आप इसे कर सकते हो, देख सकते हैं। अपने तो ये ठुड्डी को ना ज़्यादा ऊपर करना है ना ज़्यादा नीचे करना है, नॉर्मली स्ट्रेट रखना है अपने बैक साइड को, अपने बैकबोन को। सो गाइज, वो आपको सामने देखना है। ऐसे आप स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट करें, मैं स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट करता हूँ ऐसे ही, पर जब आपकी हैबिट छूट जाएगी ना तो आपकी टाइमिंग कम होती है, तो अपने हैबिट को बरकरार रखो, इस वर्कआउट को डेली करो, अपने एप्स में शामिल करो। सो गाइज, आज का हमारा वर्कआउट यहीं पे कंप्लीट होता है। सो गाइज, जो मैं ये वर्कआउट बताया हूँ नॉर्मली तरीके से बहुत इजी है, कोई भी बिगिनर्स हो या कोई भी एक्सरसाइजर बॉडी बिल्डर हो घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। सो गाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्स पे आ रहा था कि भाई एप्स का वर्कआउट बनाओ, तो गाइज हम आप सबके लिए एप्स का वीडियो बनाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गाइज, हम सब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।